सभी देशवासियों को मेरा जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। मैं गौतम रत्ना अंबेडकर नेशन यूट्यूब चैनल से और आप हमारे चैनल पर देखेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और हमारे जो इतने भी महापुरुष हैं उन्हीं पर हम डिबेट रखते हैं, डिस्कशन रखते हैं और बुद्धिजीवियों के साथ बुला करके उनके साथ बात करते हैं ताकि हमारे बहुजन समाज के लोगों को एक अच्छा मैसेज जाए। जैसे कि हमारे जो आदर्श हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, उसमें जैसे कबीर दास हैं, पेरियार साहब हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, सावित्री बाई फुले हैं, रविदास जी हैं और तथागत बुद्ध हैं, उन्हीं के मुद्दों पर हम डिबेट रखते हैं। तो आप देखिए हमारे बहुजन मुद्दों पर। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं रोहित चौहान, सिंगर एंकर अंबेडकर नेशन चैनल को शुभकामनाएं देता हूं कि अंबेडकर नेशन ने बहुजन मूल निवासी, वंचित और महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की आवाज उठाने का बीड़ा उठाया है। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। स्वागत है आपको हमारे चैनल अंबेडकर नेशन और मैं हूं आपके साथ विशाली प्रसाद और इस वक्त के साथ मौजूद है फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सोशल एक्टिविस्ट गौतम रत्ना जी। आज हम लोग एक मुद्दे पे बात करने वाले हैं और वो मुद्दा ये है कि प्रेम प्रसंग को लेकर गठित पंचों ने युवक की बुरा तरह से पिटाई कर दी, साथ ही उसको पानी जो पिलाया गया है वो जूतों में पिलाया गया है। इसी के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं, इस मुद्दे को आज हम उठाने वाले हैं। तो ये मुद्दा कहाँ का है मैं आपको बता देती हूँ। ये पाली के सुमेरपुर के निकट बारुंडा गांव में कड़ित पंचों ने सजा देने के नाम पर एक युवक से बुरी तरह से सभी हदें जो है वो पार कर दी है। विवाहित से प्रेम प्रसंग के आरोप में पंचों ने पहले तो एक युवक को इस गांव से अगवा किया, फिर सरोही के निकट सुप्रणा सरदारपुरा गांव लेकर बुरी तरह से वहां पे जाने के बाद पिटाई की गई उसकी, जूते में पानी भरकर पिलाया और इतना ही नहीं, इतना कुछ करने के बाद वो लोग ये भी नहीं रुके, उसके बाद उसको मूत्र तक पिला दिया। आरोपी ने इस युवक के चाचा और भाई को भी मौके पर बुला लिया और उन्हें भी रात भर पेड़ से बांध कर रखा। दूसरे दिन सुबह पीड़ित के माता पिता मौके पर पहुंचे तो उनसे दंड स्वरूप 5,000 रुपए वसूले। इसके बाद पीड़ित पक्ष को गांव छोड़ने के लिए धमकी भी देकर मुक्त किया गया। घटना 11 जून की है और पीड़ित पक्ष ने इस संबंध में 15 जून को थाने में वहां के एरिए में कंप्लेन भी कराई है। गौतम रत्ना जी, मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी, जो मामला अभी फिलहाल ही सामने आया है, इस तरह से जो हरकत की गई है सिर्फ एक प्रेम प्रसंग के आरोप में, कि उसने एक किसी से रिश्ता बनाया, प्यार किया, उसको इस तरह की सजा दी गई कि उसको जूतों में पानी पिलाया, सिर्फ यही कि क्योंकि वो लोअर क्लास का था, क्या बोलना चाहेंगे आप उसके? देखिए वैशाली जी, जो हमारा जो चैनल काम करता है वो खास तौर से जो लोअर कम्युनिटी जिसको कहा जाता है भारत के अंदर, जिसमें जिस में हमारे संविधान के अंदर जिस चीज के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि हमारे संविधान में सबको बराबरी का अधिकार है और खास तौर से कोई भी बालिक यानी चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, 18 साल से ऊपर उम्र में है और अगर मेल है तो 21 साल से उम्र में है, अगर फीमेल है तो 18 साल से उम्र में है, ये उनका राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में कि उसको किससे प्यार हो सकता है या किससे मोहब्बत हो सकती है या किसके साथ किस रिलेशन में, या किस साथ वो भाई का रिश्ता रखना चाहते हैं, भाई बहन का, या फ्रेंड का रिश्ता रखना चाहते हैं या कोई और, ये उनका मौलिक अधिकार। तो इस तरह की जो घटना है ये कहीं ना कहीं उस मानसिकता से जुड़ी हुई है जो हमारे देश में आज भी संस्कृति के नाम पर ढोई जा रही है, यानी कि जो संविधान के अंदर जो बराबरी का अधिकार दिया गया है और सबके जो अधिकार हैं उसके प्रति ना तो वो लोग अवेयर हैं कि उनके संविधान में अधिकार क्या है। मतलब आप देखिए कि इतना बड़े होने के बाद, हादसे होने के बाद उसके पेरेंट्स अगले दिन FIR कराएंगे और अभी जो हमारे पास न्यूज अपडेट है उसमें पुलिस प्रशासन का कोई अपडेट इसमें नहीं दिख रहा है, तुम्हारे पास ये अखबार की आप कटिंग में बात कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो मनुस्मृति मानसिकता और जो जातिवाद की मानसिकता के जो लोग हैं, जिसको अगर मैं दूसरे रूप में कहूँ,
तो ये जो क्योंकि ये क्लियर है कि इस तरह की जो व्यवस्था स्थापित की गई थी वो मनु के द्वारा मनुस्मृति में की गई थी जो एक ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो एक इसको हम मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हर ब्राह्मण को उसका दोषी माना जाए, ब्राह्मण दोषी है इसके लिए। ब्राह्मणवादिक व्यवस्था, इसको ब्राह्मणवादी व्यवस्था बोलते हैं मनुस्मृति व्यवस्था को, ये कहीं ना कहीं आज भी हमारे देश के हर आदमी के जहन में मौजूद है। जिस तरह से इस तरह की जघन्य घटनाएं, और मैं जघन्य घटनाएं नहीं, ये एक जघन्य अपराध किया है जो दूसरी पार्टी है, जो भी वो जनरल कास्ट से आते हैं, किसी भी कास्ट से आते हैं, हम कास्ट की बात भी नहीं कर रहे, लेकिन जिसने भी किया ये बहुत ही शर्मनाक है देश के लिए। और इस तरह की घटनाओं पर हम बार बार बोलते हैं कि वहां के जो लोग हैं उनको भी अवेयर होना पड़ेगा, और पुलिस प्रशासन को तो इसमें बहुत स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली इसके अंदर डिसीजन लेना चाहिए कि ऐसे लोगों को ऐसा पनिशमेंट मिले कि जो कि इस तरह की घटनाएं दोबारा देश में या किसी भी राज्य में ना हो। और ये शायद राजस्थान में पड़ता है, पाली जो जगह है, तो वहां राजस्थान की स्थिति आज भी जो जातिवादी परिवेश है वो कहीं बहुत ज्यादा खतरनाक है। कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक है, जैसे आपका यूपी हुआ, बिहार हुआ, या आपका हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, हिमाचल हुआ, ऐसे कई ऐसे स्टेट हैं जहां बहुत ज्यादा, खासतौर से ये नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत बुरी स्थिति है। तो आप देखिए 70 साल देश को, 72 साल, 71 साल आजाद हो गए देश को, संविधान लागू हो गया, सबको बराबर का अधिकार मिल गया बराबर का, लेकिन वो मिल कहां रहा है प्रतिनिधित्व? तो हमारे पास जितनी भी अभी तक सरकारें रही हैं उन्होंने क्या किया, ये सरकारों की जिम्मेदारी बनती है आम आदमी के साथ साथ। जी आप बताएं। मेरे मन में एक सवाल ये आया है कि जिस तरह से उसको मारा गया है, क्योंकि एक तो वो लोअर कास्ट का था, अगर उसने दूसरी जाति में अगर प्यार कर भी लिया तो उसको ये सजा देती, तो वही अपर कास्ट में जरूरी नहीं कि उसको अपनी ही जाति में प्यार हो, अपर कास्ट वाले अगर एक अलग अलग जाति में प्यार कर रहे थे तो उन लोगों का प्यार अपनाया जाता है, लेकिन अगर उसी इंसान ने जो लोअर कास्ट का है उसने कहीं और प्यार कर लिया तो इतनी बड़ी सजा उसको क्यों? अभी तक क्या है? देखिए इसका कारण वही है कि आज भी जो हमारे देश के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जातिवादी जो व्यवस्था है उसमें ग्रस्त है। जब तक उससे हर इंसान नहीं निकलेगा, हर इंसान मानवता को प्यार नहीं करेगा, तब तक ये स्थिति लगातार जारी है। और इस पर मैं जो सबसे बड़ा दोष जो देता हूँ, कहीं ना कहीं पूरे देश में अगर इस तरह के हादसे होते हैं तो पुलिस प्रशासन और वहां की सरकारें इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने कभी भी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं चलाया किसी भी सरकार ने जिस पर उस खाई को वो सरकार बांटने का काम करे। जैसे कई तरीके हो सकते हैं उसके कि भाई वो वहां पर कोई कैंप लगाए गांव में जाकर के, और दोनों समुदाय को बिठाएं जो लोअर कास्ट से हैं या जनरल कास्ट से हैं, अपने आप को स्वर्ण समझते हैं या ऊंची कास्ट का समझते हैं, उनको बैठा करके इस खाई के लिए आज तक किसी सरकार ने कोई प्लान नहीं किए हैं। अगर ऐसा हो तो इस तरह की घटनाओं पर मैं समझता हूँ रोक लगाई जा सकती है। सर मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने कहा कि सरकार ने इस तरह का कोई भी आयोजन नहीं किया प्रोग्राम कि लोगों को इन चीजों के बारे में पता चले, तो सर जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारे भारत में, हमारे देश में जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम है, तो बुक्स में हर जगह पढ़ने को, हमें सीखने को सिखाया जाता है, तो जरूरी नहीं कि इंसान, सरकार हर एक एक को जाकर एक प्रोग्राम बनाए। स्पेशली हर एक बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है तो फर्स्ट क्लास से लेकर जब तक ट्वेल्थ में पहुंचता है तो एक ही कास्ट सिस्टम हमेशा हर चैप्टर में कभी ना कभी मिल जाता है, तो उस चैप्टर से भी हर एक इंसान सीख सकता है, जरूरी नहीं कि सरकार जो है वो एक प्रोग्राम बना रही है। इस पे ये आपका बहुत अच्छा सवाल है कि जब हमारी किताबों में कहीं इस तरह के सिस्टम नहीं पढ़ाए जाते हैं बचपन से बेसिक से लेकर के ऊपर तक, तो पहली चीज तो ये कि जो शेड्यूल कास्ट जो वर्ग है या ओबीसी है या जो इस तरह की प्रताड़ना झेलते हैं वो लोग, उनका जो एजुकेशन इस तरह वो बहुत अच्छा नहीं है, तो वो लोग उस तरह की जहाँ पर इस तरह की चीजें बराबरी की या कुछ इस तरह के चैप्टर हैं वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, या ज्यादा ज्यादा गए 2-4 क्लास पढ़ लिए, तो वो तो पहले ही अवेयर नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जो जनरल कास्ट के लोग हैं, सामान्य जाति में जो आते हैं, उनके बच्चों को या उनके यूथ को या उनके टीनेजर को या उनके जो बुजुर्ग हैं वो भी पढ़े लिखे ज्यादा हैं उस हिसाब से, तो उनको इस तरह का मोटिवेट करना चाहिए अपने अपने फैमिली में, अपने पेरेंट्स को इस तरह से इस पर
सुधार मैं समझता हूँ कि किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत वही है कि यहाँ तो उल्टा वो लोग इस चीज को खत्म करने के बजाय वो ऐसे हादसों में जो क्रिमिनल है, जो अपराध कर रहा है, जो जुर्म कर रहा है, उसी उनके साथ वो उल्टा खड़े होते हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता आज भी उसी तरह से चल रही है जिस तरह से आज से हजारों साल पहले, यही इसके पीछे कारण है। सर, मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि आखिर हमारे देश में ऐसा क्यों है कि सिर्फ हम लोग दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं कि सरकार ही करेगी, कांग्रेस ही करेगी तो हमें कुछ सीखने को मिलेगा। इंसान खुद क्यों नहीं कर सकता? इंसान जब इतना समझदार है तो वो जब कुछ नहीं अच्छा होता है तो हम दूसरों को दोषी ठहरा देते हैं कि ये इन्होंने ये लागू नहीं करवाया, ये नहीं करवाया, जब हमारे राइट्स में, फंडामेंटल राइट में हमें सारे राइट अधिकार जो है दे रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हम हर चीज कर सकते हैं, तो हम सरकार पे किसी पे डिपेंड क्यों रहेगी ये रूल बना नहीं। मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, वही तो आपको हमने बताया अभी कि सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, उस परिवार की भी जिम्मेदारी है जो इस तरह के चीजों में इन्वॉल्व है, जो बढ़ावा दे रहे हैं, उस परिवार की जिम्मेदारी है। उस गांव में, जैसे कि गांव में पंचायत होती है, प्रधान होता है, तो सामूहिक इस तरह की मीटिंग वो महीने में, दो महीने में इस तरह से करके उस खाई को दूरी, उस खाई, इस तरह की जो खाई है जातिवाद की, उसको दूर कर सकते हैं। तो मैं, मेरा मतलब सिर्फ सरकार पर नहीं है, उन लोगों पर भी है जो इस तरह के अत्याचार करने की मानसिकता रखते हैं, और ये तभी आएगा कि जब वो लोग खुद भी सरकार के साथ साथ सरकार के प्लान भी हो सकते हैं कि वो खुद भी अभी रहो। लेकिन इसके पीछे कारण वही है कि जो चीज आपको हजारों साल से पढ़ाई जा रही है कि आप फला जाति से हैं, आपका लेवल ये है और ये इसका लेवल ये है, तो वो चीज दिमाग से निकल नहीं पा रही है। उसके लिए सोशल प्रोग्राम्स हो सकते हैं, सरकार की स्कीम्स हो सकती हैं। सरकार अगर कड़ाई से पालन करे, सरकार का ज्यादा पार्ट इसलिए बनता है कि ये हादसे होने के बाद जो वहां का प्रशासन है उस पर एक्शन ठीक से नहीं लेता है। अगर उस पर कड़ा एक्शन लेगा, एक गांव में एक हादसे में कड़ा एक्शन ले लिया जाए और उसको सजा हो जाए, तो पूरे गांव के उन लोगों पर जो अत्याचार करते हैं उनको दहशत बैठेगी कि मेरा परिवार इस हादसे की वजह से जेल चला गया या जेल में जिंदगी बिता रहा है और परेशानी में पूरा परिवार चला जाता है, आर्थिक परेशानी भी इससे बढ़ जाती है उस परिवार की। तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और सरकारें ज्यादा जिम्मेदार नजर आती है। सर, आपने बिल्कुल ही बात बिल्कुल सही कही, लेकिन अगर बात यहाँ पे प्रशासन की आ जाती है तो मैं यही बोलूंगी कि लॉकडाउन भी तो अभी सरकार ने चालू किया है, फिर भी लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे। अगर सरकार का कर्तव्य है कि वो रूल बनाए, क्योंकि सरकार के कहने पे ही हर चीज चलती है, तो जब सरकार ने लॉकडाउन बनाया है तो भी लोग जो है इस लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर उस चीज का भी क्या फायदा? जब वो ना सरकार की सुन रही, तो सरकार इसमें कितनी मदद लोगों को समझा सकती है? जब सरकार को इस बात का भी अंदाजा हर किसी को है, जब लोग सरकार की बात नहीं मान रहे हैं, तो इसमें सरकार ज्यादा साथ क्या कर सकती है? देखिए, लॉकडाउन का तो इसमें हमारे डिबेट में लॉकडाउन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन लॉकडाउन पे अगर लोग नहीं मान रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि जो शुरुआत में गवर्नमेंट ने किया लोगों ने फॉलो किया है, ऐसे बात नहीं है। खास तौर से शहर में तो लोग फॉलो कर ही रहे थे, लेकिन अब जैसे यहाँ पे मजदूरों का पलायन हुआ, तो वो मजदूर को जब खाने को नहीं रहेगा तो वो घर में बैठ करके ये वाला सरकार का डिसीजन को कैसे मान सकता है? कब तक भूखा रहेगा? वो घर में भूखा मर जाएगा, तो वो लोगों की मजबूरी भी है ना। तो कहीं ना कहीं आकर के सरकार के ऊपर क्वेश्चन खड़ा होता है कि पहले, जैसे हमने कल भी कहा था कि वो 500 रुपए अनाउंस किए, 20 लाख अनाउंस किए, वो पॉलिसी कब लोगों तक पहुंचेगी? तभी तो लोग उस स्थिति में आ पाएंगे कि वो उस सरकार के घर में जो रहने का लॉकडाउन का मतलब तो घर में रहना है ना, तभी तो वो उसको कर पाएंगे, नहीं तो कैसे कर पाएंगे? घर पे बैठे अगर आदमी बस खाने का नहीं होगा तो वो तो जाएगा ना मजदूरी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उसको, नहीं तो घर में सुसाइड करेगा, और हुए भी है, सुसाइड कर रहे हैं लोग, रोड पे मर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का इस तरह की जब अचानक से कोई महामारी आती है, डिसीजंस होते हैं, तो सरकार का एक बहुत बड़ा उसमें रोल होता है। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से अभी आज हमने जिस खबर पे बात करी जातिवाद को लेके, कि किस तरह से उसके साथ इस तरह की वारदात हुई है, आपको क्या लगता है कि वारदात क्या सिर्फ गांव में होती है, खास करके कि शहरों में इस तरह की हरकतें नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं है, शहरों में नहीं होती। हम जो अभी फिल्म बना रहे हैं, एक हम जो अभी एक शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, वो खुद मेरे साथ बीता हुआ किस्सा है। और जो कास्टिंग जो लोग कहते हैं कि गांव में ही है, शहरों में नहीं है, तो ऐसा नहीं है, शहरों में भी है,
शहरों में उसका रूप बदल गया है कि वो डायरेक्टली आपको जैसे इसमें जूते से पानी पिलाया है, या उसको मारा पीटा गया, उसके रिश्तेदारों को पेड़ से बांध दिया गया, सिर्फ उस स्थिति को ना उस स्थिति को डायरेक्टली ना करके इनडायरेक्टली वो शहरों में भी है। हम झेल रहे हैं, हम अपने आने वाली फिल्म में या ये जो हम फिल्म रिलीज करने वाले हैं जल्दी ही, हमारे तीन चैनल पर वो फिल्म रिलीज होगी, अंबेडकर नेशन मूवीज पर और ANI अंबेडकर नेशन पर और अंबेडकर नेशन चैनल पर। तो इसी मुद्दे को लेकर के ये मेरे साथ में खुद बीती हुई घटना है, जिस जातिवाद को झेला है, अभी हम उसको ज्यादा क्योंकि फिल्म है, फिल्म के माध्यम से लोगों तक जाएगी तो लोगों को फिर समझ आएगा कि शहरों में भी किस तरह का जातिवाद आज भी जिंदा है। और शहरों में तो इतना चतुराई से, इतने चालाकी से वो जातिवाद जिंदा है कि उसके खिलाफ तो आप कंप्लेंट भी नहीं कर सकते हैं। हम अपनी फिल्म में दिखाएंगे इसको, ना कोर्ट जा सकते हैं, इस तरह के तरीके शहरों में अपनाए जाते हैं जातिवाद को मजबूत करने के लिए। तो इस तरह की मानसिकता लोगों को अपने दिमाग से निकालनी चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। जिस तरह से जातिवाद का जो आज मुद्दे पे बात हुई है, ये सिर्फ गांव में या सिर्फ शहर की बात नहीं है, ये हर जगह पे मौजूद है इस जातिवाद का एक नया रूप। किसी ना किसी रूप में जातिवाद कहीं ना कहीं आके अपना रूप ले लेता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। जिस तरह से इस इंसान के साथ, इस छोटे से गांव में जिस तरह से इस व्यक्ति के साथ सिर्फ एक प्यार करने की गलती पे इस तरह की हरकत उसे की गई, यहां तक कि वो सिर्फ एक लोअर कास्ट का था, एक नीची जाति का था, तो इस तरह से उससे बर्ताव किया गया। ये सिर्फ गांव में नहीं, ये शहरों में भी होता है। और जो हमारी मूवी है, जो शॉर्ट मूवी है, इसी से रिलेटेड है। और वो मूवी में आप यही देखेंगे कि इस तरह से जातिवाद होने के बाद आप किसी कोर्ट या कचहरी का सहारा नहीं ले सकते। इस तरह से इस भयानक रूप ने, इस जातिवाद के इस भयानक रूप ने लोगों में भी दहशत पाल रखी है। एक ऐसी शक्ति है इसके पास कि चाह के भी इंसान कुछ कर नहीं सकता। फिलहाल इस खबर में इतना ही, शो में इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए अंबेडकर नेशन। कार्गो देख लो, चले हमसे घर। अरे भी हां सही बढ़ ले, ये तो कोटा मंडी होगी। हां ये मां सो लेने 15 तारीख के। अरे पीनो बस साहिन डाकना वो मटियो वो ने हर बात को नहीं बड़ा बड़ा ले। हां दूध दूध लाओ, पानी पानो थारी मां। फोटो कटा दे थारी मां सो थारी। अब लो लो थारी मां सो बतलो ना बदरे हाल पड़ी रहे। हम तो हरी बिठो को फर्जी दे बे एकदम फरो। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अंबेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्ना। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न। खाता संख्या 3169576861। IFSC कोड SBIN 00603336। बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।